नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है। बात करेंगे स्टेलर टेक्नोलॉजीज के बारे में। आज दिन बहुत ही अच्छा गुड न्यूज़ है, जिसकी वजह से ना यहाँ पर लॉन्ग टाइम में आपको बहुत ही अच्छा मोमेंट देखने को मिल सकता है। तो इनको आज के दिन ना बहुत ही बड़ा ऑर्डर मिला है, जो कि टोटल कॉस्ट जो है ये 2600 करोड़ का पूरा ऑर्डर दिया गया है। इसमें ना दो कंपनियाँ हैं, सिर्फ स्टेलर टेक्नोलॉजीज को लेकर नहीं बात हो रही है, यहाँ पर एक और कंपनी है दिलीप बिल्डकॉन। इस कंपनी के साथ इनको ना 2600 करोड़ का ऑर्डर दिया गया है, और इसमें से जो रहेगा 1625 करोड़ का ऑर्डर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए यूज़ किया जाएगा, और 975 करोड़ जो रहेगा वो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के लिए यूज़ किया जाएगा। तो मतलब दोनों का अगर आप लेस करते हो, 1625 करोड़ प्लस 975 करोड़, ये दोनों को प्लस करोगे तो ये टोटल कॉस्ट जो है वो 2600 करोड़ का पूरा ये पूरा प्रोजेक्ट दिया गया। तो ये प्रोजेक्ट जो है ना भारत नेट नाम की एक प्रोजेक्ट चालू किया गया, और इस प्रोजेक्ट से ना यहाँ पे जो रूरल एरिया होता है, रिमोट एरिया जहाँ पे नेटवर्क नहीं रहता है और इंटरनेट नहीं चलता है, वहाँ पे ना ब्रॉडबैंड सिस्टम्स सेटअप करना है और हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना है। तो ये बड़ा प्रोजेक्ट ना लॉन्च किया गया। एग्जाम्पल के तौर पर बात करूँ तो कुछ दिन पहले ना पॉलीकैब को एक अच्छा खासा ऑर्डर दिया गया था, यही भारत नेट प्रोजेक्ट के जरिए, और ये 5500 करोड़ का ऑर्डर दिया गया था। तेरा सॉफ्टवेयर नाम की कंपनी है, उसको 3000 करोड़ का ऑर्डर दिया गया था। आरबीएन एक सरकारी कंपनी है रेलवे सेक्टर से, उसको भी ना 5000 करोड़ का ऑर्डर दिया गया था। और आज देख रहे हो ना स्टेला टेक्नोलॉजीज को कितने का हो गया, 2600 करोड़ का अच्छा खासा ऑर्डर दिया गया है। तो ये जितने भी नेटवर्क जो अभी 5G चल रहा है, 6G अपग्रेड किया जाएगा, तो ये सारे जो प्रोग्राम में इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट की तरफ से दिया जा रहा है उसका फ़ायदा इन लोगों को मिल सकता है। और अभी क्या करना चाहिए टेक्निकल के पर्पज से, तो देखिए स्टॉक्स जो है काफ़ी ज़्यादा करेक्टेड है, फिर भी यहाँ पे ना गिरावट आपको 110 रुपये तक का देखने को मिल सकता है। आज दिन अगर ये न्यूज़ की वजह से अपसाइड का मूवमेंट लेता भी है तो कल के दिन ना थोड़ा गिरेगा, और तो 110 रुपये के लेवल पर आता है तो यहाँ पे अच्छा मूवमेंट बन सकता है। तो पहला टारगेट जो रहेगा 130 रुपये का रहेगा, दूसरा टारगेट जो रहेगा 150 रुपये तक का हायर हाई पैटर्न बनाते हुए देखने को मिल सकता है। तो सारे कंडीशन बता दिए हम, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करना, बाइसल को रिकमेंडेशन है। जय हिंद।